एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निगार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैंने आप सभी के साथ दो पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए और उन्हें क्योर करने के लिए दो ट्रीटमेंट शेयर किए थे, जिसमें से एक थी क्रीम और एक था फुल ऑफ ट्रीटमेंट कि आप किस तरह से घर पर अपनी झाइयों को, अपने पिगमेंटेशन को रिमूव कर सकती हैं। उन सारे वीडियो को आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट आए और जो आपका फीडबैक आया है, थैंक यू सो मच कि आपको मेरी रेमेडीज इतना ज़्यादा पसंद आ रही हैं। आज इस वीडियो में गाइज मैं आप सभी के साथ पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, इसके अलावा कील मुहासों के निशान, चेहरे पे पड़ी हुई झाइयां या फिर आपके चेहरे पे बहुत ही बदनुमा से एक्ने के मार्क्स हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा फेस पैक शेयर कर रही हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और इसके चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपके चेहरे पे पड़े हुए दाग धब्बे, झाइयां, मेलाज्मा, ये सारे रिड्यूस हो जाने वाले हैं। तो आई होप कि गाइस आपको आज का भी मेरा वीडियो उसी तरह से पसंद आएगा जैसे आपने बाकी के मेरे वीडियोस को पसंद किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह से प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं भी आप सभी के लिए इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस और कंटेंट देखने के लिए और मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए बेल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के इफेक्टिव रेमेडीज और वीडियोस घर बैठे मिल सकें और आप उनका घर बैठे फायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं कि पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए ये फेस पैक हमें किस तरह से बनाना है। तो इस पिगमेंटेशन रिमूवल फेस पैक को बनाने के लिए, झाइयों को क्योर करने के लिए और अपने फ्रैकल्स और मेलाज्मा को रिड्यूस करने के लिए जो हम पैक बनाने वाले हैं, उसका जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मेंट लीव यानी पुदीना। अब गर्मी आ रही है गाइस, आसानी से आपको पुदीना मार्केट में मिल जाएगा। ये विटामिन सी से भरपूर होता है और स्किन की रिंकल्स और झाइयों को मिटाने के लिए ये रामबाण का काम करता है। पुदीने से हमारे चेहरे पे पड़े हुए दाग धब्बे, पिगमेंटेशन और भूरे और ब्लैक जो तिल होते हैं या चेहरे पे बदनुमा भद्दे से जो दाग हो जाते हैं, उनको रिड्यूस करने में बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। इसके अलावा ये एंटी एजिंग भी होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इसमें और ये हमारे चेहरे की फेयरनेस को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ मिंट लीव्स ले लिए हैं, पुदीने की कुछ पत्तियाँ ले ली हैं और इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सेकेंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है मेथी के पत्ते। ठीक है, तो फेनिग्रीक लीव्स भी आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाने वाली है। गाइस, पिगमेंटेशन और मेलाज्मा को दूर करने के लिए और इनको क्योर करने के लिए मेथी के पत्ते बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। ये हमारे चेहरे पे पड़े हुए दाग धब्बों को तो रिड्यूस करते ही करते हैं, उसके साथ रिंकल्स और झाइयों को दूर करने के अलावा ये हमारे चेहरे पे एक नया सा ग्लो लेकर आते हैं, चेहरे की चमक को भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे गाइस जितने हमें मिंट लीव्स लेने हैं यानी जितनी आपको पुदीने की पत्तियाँ लेनी है, उसी इक्वल क्वांटिटी में आपको मेथी की पत्तियां भी लेनी है। दोनों चीजों को आप अच्छे तरह से वॉश कर लें। इसके बाद आप एक मीडियम साइज का पोटैटो ले लें। यहाँ पे कुछ टुकड़े मैंने पोटैटो के काट के रख लिए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को गाइस हम डालेंगे मिक्सर के जार में और बहुत ही फाइन सा, स्मूथ सा हमको इसका पेस्ट बना लेना है बिना पानी डाले। आपको इसमें पानी नहीं ऐड करना है। ठीक है, ये जब आप इसको अच्छी तरह से पीसेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और स्ट्रेनर की हेल्प से हम छान कर इसका जो रस है, इसका जो जूस है, उसको एक बाउल में कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस को मैंने ये इसका रस निकाल लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि इसमें हम ऐड करेंगे दही। ठीक है, दही जितना ज़्यादा खट्टा हो, जैसा कि मैं हर बार आपसे बोलती हूँ, खट्टा दही स्किन की पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है और खट्टे दही में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए और हमारे चेहरे पर पड़े हुए दाग धब्बे, मुहासे, झाइयाँ, इन सबको रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर गाइस हमने तकरीबन 2 चम्मच ले लिया है खट्टा दही और इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है बेसन। बेसन एक नेचुरल क्लींजर है, चेहरे की क्लीनिंग करने के साथ साथ चेहरे पे पड़े हुए दाग धब्बों को भी रिड्यूस करता है। और अब लास्ट में गाइस हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो हमारे चेहरे पे पड़े हुए दाग धब्बों को रिड्यूस करने में, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयों को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की झाइयों के साथ ही साथ आपके चेहरे की रिंकल्स और फाइन लाइंस भी रिड्यूस होती हैं। तो 1 टीस्पून यहाँ पे हमने ऑलिव ऑयल का डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
तो ये हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए फेस पैक बनकर तैयार है। ये फेस पैक आपकी पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मेलास्मा या फिर आपके एक्ने मार्क्स हैं, चेहरे पे मुहासों के निशान रह गए हैं या फिर चेहरे पे ब्राउन स्पॉट हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा भूरे काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये फेस पैक गाइस। आपके चेहरे की पिगमेंटेशन और मेलास्मा को दूर करने के साथ ही साथ आपके फेस पे ग्लो को भी बढ़ाएगा, इससे आपके चेहरे की फेयरनेस भी बढ़ेगी। तो वो लोग भी जिनके फेस पे पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मुहासे के दाग धब्बे नहीं हैं, फेयरनेस के लिए भी इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे फेस के कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं और टैनिंग को भी रिमूव करते हैं। तो फेयरनेस फेस पैक की तौर पे भी आप इसको लगा सकती हैं। पूरे फेस पे कुछ इस तरह से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इस पैक को लगा देना है, ठीक है। जहाँ पर आपकी झाइयाँ और पिगमेंटेशन है उस जगह पर इस पैक को थोड़ा सा थिक लगाएं, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको इसको अपने फेस पर लगा देना है और लगाने के बाद आधे घंटे तक आपको इसी तरह से इसको लगा के छोड़ देना है। आधे घंटे बाद गाइज आप कुछ देखेंगे कि आपका फेस पैक ड्राई हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से आप इसको क्लीन कर लें। अगर समर में आप इसका यूज़ कर रही हैं तो आप ठंडे पानी का यानी कोल्ड वाटर का यूज़ कर सकती हैं। इस फेस पैक को गाइज आपको दिन में दो बार लगाना है, यानी एक बार आप मॉर्निंग में लगाएं और एक बार रात में सोने से पहले आप इसका यूज़ ज़रूर करें। और इस पैक को लगाने से पहले आपके चेहरे पे किसी भी तरह का मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई क्रीम, फाउंडेशन, इस तरह की कोई चीज़ आपके फेस पे ना लगी हो। पहले अपने फेस को क्लीन करें और उसके बाद इस फेस पैक को लगाएं। और जब इस फेस पैक को आप वॉश कर लें तो उसके बाद आपको सिंपल थोड़ा सा एलोवेरा ले लेना है, चाहे आप फ्रेश ले लें या फिर मार्केट वाला ले लें, और इस तरह से 2 सेकेंड की मसाज करके ओवरनाइट आपको अपने पूरे फेस को इसी तरह से छोड़ देना है। तो आई होप कि गाइस आज का मेरा ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जो कि अपनी पिगमेंटेशन, झाइयां और दाग धब्बों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस फेस पैक को आप 7 डेज यूज़ करें और 7 डेज के बाद मेरे साथ इसका रिजल्ट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो आपके फीडबैक होते हैं, जो आपका रिजल्ट होता है, जो मुझे आप बताती हैं कि मैंने आपकी इस रेमेडी को ट्राई किया और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए हर रेमेडी का जिसका भी आपको रिजल्ट मिले, अच्छा लगे आपको, उसका रिजल्ट ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल बटन को प्रेस करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट और हेल्पफुल वीडियोस मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।